नमस्कार दोस्तों, पोस्ट ऑफिस ने एक बार फिर से दो नए बड़े अपडेट लाकर सबको चौंका दिया। अभी हाल में ही पोस्ट ऑफिस ने एक नया अपडेट लाया था कि मोबाइल नंबर को खाते से लिंक करना कंपलसरी है। उसके बाद फिर से पोस्ट ऑफिस ने गवर्नमेंट सेविंग जनरल अमेंडमेंट रूल के नाम से दो नए अपडेट लाई है। दोस्तों, यह अपडेट आपके काफ़ी काम की है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला अपडेट दोस्तों खाते में पते के प्रमाण के रूप में आधार को लेकर के है। पहले क्या होता था दोस्तों कि जब आप पोस्ट ऑफिस में खाता खोलते थे तो एड्रेस प्रूफ के रूप में आधार के बदले आपको अन डॉक्यूमेंट्स भी दे देते थे और आपका खाता खुल जाता था। अब नया रूल आने के बाद दोस्तों खाता खोलने के लिए आधार कार्ड को कंपलसरी कर दिया गया है। अब बिना आधार कार्ड का आप पोस्ट ऑफिस में अपना खाता नहीं खुलवा सकते हैं। वैसे ग्राहक जिनका खाता पहले से ही खुला हुआ है और उसने अभी तक अपने खाते में आधार को लिंक नहीं किया है, तो वैसे लोगों को भी खाते से आधार का लिंक करना कंपलसरी कर दिया गया है। पोस्ट ऑफिस ने अपने ग्राहकों को 6 महीने का समय दिया है कि 6 महीने तक आप अपने खाते को आधार से लिंक कर लें। जो भी खाता धारक तय समय सीमा के भीतर अपने खाते को आधार से लिंक नहीं करेंगे तो उनका खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। दूसरा बड़ा अपडेट दोस्तों पैन कार्ड से जुड़ा है। इनकम टैक्स विभाग ने सर्कुलर जारी किया था कि जिसके भी अकाउंट्स में पैन कार्ड लिंक नहीं है तो उसके इंटरेस्ट पे 20% TDS काटा जाएगा। हालांकि पोस्ट ऑफिस इसमें सख्ती नहीं दिखा रही थी और आपके खाते से TDS नहीं कट रहा था, लेकिन इस बार पोस्ट ऑफिस बड़ा अपडेट लेकर आई है। अगर आपके खाते से पैन कार्ड लिंक नहीं है तो आपको पैन कार्ड लिंक कराना कंपलसरी कर दिया गया है। पोस्ट ऑफिस ने नए नियम में लिखा है कि अगर आपके खाते में किसी भी समय 50,000 से ज़्यादा रुपये हो जाते हैं या किसी फाइनेंशियल ईयर में कुल जमा 1,00,000 से ज़्यादा हो जाता है या किसी भी एक महीने में कुल निकासी या ट्रांसफ़र 10,000 से ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में 2 महीने के अंदर आपको अपने खाते से पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा और जो आपको ब्याज मिल रहा है उस पर 20% TDS की पेनल्टी लगेगी। दोस्तों, इस तरह से पोस्ट ऑफिस में अब खाता खोलने के लिए आधार और पैन कार्ड कराना कंपलसरी कर दिया गया है। आप बिना आधार और बिना पैन कार्ड के पोस्ट ऑफिस में खाते नहीं खोल सकेंगे तथा जिसका भी खाता पहले से खुला है उसने अभी तक अपना आधार पैन खाते से लिंक नहीं किया है तो उनके खाते में भी आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करना कंपलसरी कर दिया गया है, अन्यथा उनके खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा। आप हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।